नमस्कार, मेरा नाम है चिमंड। आज का जो टॉपिक है, क्यों फेसबुक जो इन्फॉर्मेशन है यूजर से क्यों लेता है, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको पता है। आप अगर आधा दूरा पे फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हुए छोड़ दिया तो आपके पास मेल आता है, एंड आप जब नेक्स्ट टाइम जब लॉगिन करते हो तो आप स्टेप बाय स्टेप आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, प्लीज़ कंप्लीट योर क्रिएट योर अकाउंट। तो इसका मतलब है आपका, आपने जो भी आधा दूरा इन्फॉर्मेशन आपने छोड़ दिया वो इन्फॉर्मेशन पूरा करने के लिए बार बार आपको ईमेल करता है, हो सके तो मोबाइल नंबर पे मैसेज भी करते हैं, एंड आप जब नेक्स्ट टाइम जब आप जब लॉगिन करने का ट्राई करते हो उस टाइम पे आपको फर्स्ट स्टेप के आपको नोटिफिकेशन में मिल जाता है, प्लीज़ कंप्लीट योर अकाउंट। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपका उम्र कितना है, आप कहाँ पर रहते हो, आप सिंगल हो कि मैरिड हो, एंड आपका प्रोफेशनल क्या है, आपका इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड के थ्रू आपका लूट लिया जाएगा। इसका मतलब मैं धीरे धीरे बताऊंगा, ओके। तो चलिए, फेसबुक क्यों इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आज का जो टॉपिक है फेसबुक क्यों इन्फॉर्मेशन फेसबुक के क्यों जोड़ा थे, एक ही आंसर है मेरे पास एंड सबके पास भी, क्योंकि फेसबुक का जो इनकम का जो सोर्स है वो ऐड। हम लोग जब ऐड, कोई भी लोग जब प्रमोट जब करते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू, तभी उन लोगों का इनकम होता है। इसके अलावा कोई इनकम का पर्पस नहीं है, उन लोगों का थ्रू नहीं है, तो इसके लिए उन लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं। क्योंकि अगर मैं सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं एक ऐड कैंपेन क्रिएट करूँगा, सपोज मैं कोई भी प्रोडक्ट में सेल करना चाहता हूँ, सपोज मेरा एक डेटिंग का वेबसाइट है, तो मैं चाहता हूँ मेरा डेटिंग के वेबसाइट में रजिस्टर हो जाए और ऐप जो भी है उसमें डाउनलोड भी हो जाए एंड इंस्टॉल भी हो जाए, तो कौन लोग डाउनलोड करेगा एंड कौन लोग रजिस्टर करेगा, जो लोग सिंगल है, जो इन्फॉर्मेशन आपको साइनअप करने के टाइम पे लिया जाता है, सिंगल हो आप एंड आपको उम्र कितना है एंड आप कहाँ पे रहते हो, आप प्रोफेशनल क्या है एंड आपका जो मोबाइल नंबर है, सब फेसबुक के पास रहता है, तो आपका इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिलता है वहाँ पर। आप सिंगल हो तो सिंगल हो मतलब आपका डेटिंग के जरूरत है, तो डेटिंग साइट पर आप विजिट करने में इंटरेस्टेड डेफिनेटली रहोगे, तो उन लोगों को शो करता है डेटिंग के वेबसाइट जिसको जरूरत है, एंड आप अगर अच्छा लगेगा आप डाउनलोड भी कर लोगे, फिर यूज़ करने भी चालू करोगे। फिर मैं जो प्रमोट कर रहा हूँ डेटिंग का जो वेबसाइट है, ऐप है, मेरा भी प्रॉफिट है एंड मेरा थ्रू जो फेसबुक जो है वो बहुत कमा रहा है, तो यही मेन पॉइंट है। एंड कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग भी करता है, शॉपिंग भी सेल भी करता है, जैसे भी क्लोथ्स हो गया, शू हो गया, बहुत सारे वेट लॉस का जो भी प्रोडक्ट है, कोई भी अगर फैटी है, वेट भी वहाँ पे मेंशन करते हैं, कितना वेट हो, कितना हाइट हो, सब कुछ, एंड उन लोगों का फोटो भी आ जाता है सामने से। तो फेसबुक उन लोगों का, अगर आप कोई भी अगर प्रमोट करते हो तो फेसबुक आप बोल के देते हो मुझे इस रेंज के थ्रू, इस उम्र के थ्रू उसके पास एड शो होना चाहिए इस उम्र के थ्रू, एंड जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग अभी तक अनएम्प्लॉयड है, वहाँ पे सब कुछ आपको भरना पड़ता है एंड आप कहाँ पे रहते हो, लोकेशन ए टू जेड। तो इसके थ्रू ऐड कैंपेन जो होता है, ऐड फेसबुक भी कमा लेता है एंड जो ऐड क्रिएट करता है प्रमोट करने के लिए वो भी कमा लेता है। तो फेसबुक इसके लिए इन्फॉर्मेशन लेता है, यही है ओनली ऑन रीज़न, क्योंकि फेसबुक का एक ही रीज़न है जिसके थ्रू फेसबुक इन्फॉर्मेशन लेता है, क्योंकि वो बिजनेस करना चाहते हैं, जो प्रमोट का ऑप्शन जो है वो उसके थ्रू आप कमाना चाहते हैं, बस इतना ही और कुछ भी नहीं। और एक बार मैं क्लियर कर रहा हूँ, फेसबुक इन्फॉर्मेशन इसके लिए लेता है क्योंकि बिजनेस के पर्पज से, जो भी प्रमोट करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, उन लोगों के पास ये जो है इन्फॉर्मेशन भेज देता है, सीधा बात जो भी है भेज देते हैं इन्फॉर्मेशन, कुछ भी इन्फॉर्मेशन, आपका एज है, क्या क्या जाता है उन लोगों के पास, आपका एज है, आप सिंगल हो कि मैरिड हो, आप अनएम्प्लॉयड हो, अगर आपने कंपनी का मेंशन किया वहाँ पे कौन सा कंपनी में आप जॉब करते हो कि नहीं, एंड आप कहाँ पे रहते हो, आपका जो भी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे प्रोवाइड करते हो सब कुछ आप उन लोग सेल करके देते हैं। तो आज के वीडियो में इतने, मैं होप करता हूँ ये जो वीडियो है बहुत यूजफुल है, एंड मिलता है अगला वीडियो में। हैव अ नाइस डे।